गाने वाने डांस वान से फुर्सत मिलेगी तो गोल रोटी बनेगी ना। अरे तो क्या हो गया, वो लड़का है। सियान ये क्या कर रहे हो? मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पापा छोटी बेबी की तरह गिर गए। काश तू लड़का ही होती तो कम से कम मैं तेरे से अपने दिल की बातें करता, तेरे से मैं अपने ऑफिस की बातें करता, तेरे साथ घूमने जाता। अब ये सियान को देखो, ये तो इतना छोटा है, पता नहीं कब बड़ा होगा, कब मेरी ये इच्छाएं पूरी होंगी। पापा ये बातें आप हमसे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम लड़कियां हो, मैं तुमसे अपने ऑफिस की बात क्या करूं? तुम तो अपनी मामा के साथ आटे दाल की बातें किया करो। पापा हम आटे दाल के साथ साथ ऑफिस की बातें भी कर सकते हैं। ओ बस करो मेरी माँ, मुझे तुम्हें और कुछ नहीं समझाना। चल चलाया। सियान आप तैयार हो जाना, पापा आपको बर्थडे पार्टी में छोड़ आएंगे, ठीक है? आप गुस्सा मत हो दीदी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये भेदभाव। लेकिन हम और क्या भी कर सकते हैं? हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं। पर कैसे, मम्मा पापा हमारी कोई बात नहीं सुनते। नहीं सुनते तो ना सुने, हमें उनको रियलाइज कराने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पर क्या? लेट है आओ। मम्मा देखो ये लड़की इतना अच्छा डांस कर रही है। कौन है ये? मम्मा ये एक बहुत बड़ी डांसर है, उसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं। कोई अकल सिखाए है ऐसी लड़कियों को, हैं? डांस वांस इन लड़कियों को शोभा देता है, ऐसी लड़कियों का ही फ्यूचर अंधेरे में होता है। मम्मा ऐसी तो हजारों लड़कियां हैं जो डांस में अच्छी हैं, कोई म्यूजिक में अच्छी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, क्या उनका भी फ्यूचर खराब है? इन लड़कियों को बोलो एक गोल रोटी बनाकर दिखा दे। हाँ ये गाने वाने डांस वान से फुर्सत मिलेगी तो गोल रोटी बनेगी ना। गोल रोटी बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को एक बात बताओ, इस लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खाना। तो इंसान को अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है जिंदगी का? दिन बा दिन पर लगते जा रहे हैं, इनके पर काटने होंगे, नहीं तो अगर एक बार इनको इन लड़कियों की तरह पर लग गए ना तो ये वापस नहीं आ पाएंगे। The next day. मैंने क्या किया? तूने टेबल पे जांच पूछ के पानी गिराया। मैंने नहीं गिराया। झूठ मत बोल, मैंने अभी देखा। अरे अरे अरे, इसमें लड़ने की क्या बात है? अगर उसने गिरा भी दिया है तो तुम साफ करो। पापा लेकिन उसने जांच पूछ के गिराया। अरे तो क्या हो गया, वो लड़का है, लड़के तो शैतानियां करते ही है। अगर लड़के शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Later. सियान वो नोटबुक मत ले, मुझे उसमें अपने मैथ्स के सम्स करने हैं। मैं तो यही लूंगा। प्लीज सियान तो कोई और नोटबुक ले ले। नहीं मैं यही लूंगा। सियान मैं मम्मा को बुला दूंगा। क्या बोलेगा मम्मा को? तूने मेरे कपड़े लिए? मम्मा मम्मा मम्मा
पापा ठीक तो हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने सियान को धक्का मारा? नहीं मम्मा, मैंने उसे धक्का नहीं मारा, उसने मुझे धक्का मारा। झूठ मत बोलो अनन्या। नहीं मम्मा, अनन्या दीदी सच कह रही है, सियान ने अनन्या दीदी को धक्का मारा था। तुम तो चुप ही रहो, मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल अनन्या से ना कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रही हो। मम्मा मेरे सियान को कुछ नहीं कहा मम्मा। बकवास मत करो, फटाफट सियान को सॉरी बोलो। सॉरी सियान। मुझे डांट पिटवाई, बड़ा मजा आया। डांट पिटवाई, बड़ा मजा आया। डांट पिटवाई, बड़ा मजा आया। क्या मतलब? अनन्या शनाया सच कह रही थी और सियान झूठ बोल रहा था। Later. अरे सियान ये क्या कर रहे हो? मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसको क्या हो गया है? Later. रमनीक आपको पता है, मैं तो हैरान हो गई सियान की बात सुन के। मुझे कहता है मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ भाई? अरे तुम्हें पता है आज सुबह उसने मुझसे क्या कहा? क्या? मुझे कहता है कि पापा मुझे बड़े होके कोई काम नहीं करना, था? मैं आराम से ऐश करूंगा और तुम पैसे कमाना। ओ माय गॉड, रमनी हमने ना इसको कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा लिया है। हमें कुछ करना होगा, तुम रुको मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ। ओ, 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 रमनी रमनी क्या हुआ? क्या हो गया पापा? आप कैसे गए पापा? क्या हुआ पापा? आपको लगी तो नहीं? पापा छोटी बेबी की तरह गिर गए। पापा ऊपर आ जाओ। सियान मदद करो ना पापा को ऊपर करने में। मैं तो वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। मम्मा आज पापा को ऊपर बिठाते हैं। हाँ बेटा आओ रमनी ऊपर करो, आराम से आराम से आराम से आराम से लेट जाओ लेट जाओ। पापा लाइफ में आपको जब भी जहाँ पे भी हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ पापा, हम लड़कियाँ हैं ना, हमारे लिए हमारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। I'm sorry बेटा, तुम्हारे को जब भी मेरी जरूरत थी मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो सिर्फ तुमने ही मेरा साथ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो रमनीक आप, हमें जिस बेटे पे गर्व था वो तो मुंह फेर के चला गया। अगर लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं तो हमको तुम लड़कियों से सीखना चाहिए। हाँ पापा, लड़कियां ऑलराउंडर भी हो सकती हैं और अच्छी भी। हाँ पापा, लड़कियां ऑफिस भी संभाल सकती हैं और घर भी। इनफैक्ट लड़के तो सिर्फ ऑफिस संभालते हैं, तो फिर लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझा जाता है? और लड़की होना वो एक पाप है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। वी आर सॉरी बच्चों, मैंने तो खुद ये रियलाइज नहीं किया कि मैं तो खुद एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ, सबसे ज्यादा शर्म तो मुझे आनी चाहिए। आई एम सॉरी। आप माफी मत मांगो, आप बस एक काम करो कि हमें पढ़ने दो और अपना करियर बनाने दो। हाँ फिर हम भी प्रूफ कर देंगे कि हम किसी से कम नहीं है। तुम किसी से कम नहीं हो बच्चों, इनफैक्ट लड़कियां किसी से कम नहीं होती, लड़कियां लड़कों से आगे ही होती हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। लेगो बनाना सीख लिया, बर्थडे गिफ्ट्स वीडियो।
सब्सक्राइब हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मैंने बेस्ट बनाना सीखा। मैंने ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे किसने बेस्ट बनाना सीखा। क्लिक।